नमस्कार दोस्तों, आज आपका आठवां लेक्चर है कोरल ड्रॉ का। आज हम हमारा फ्री हैंड टूल, बेजियर टूल और अन्य टूल्स को देखेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे फ्री हैंड टूल की तरफ, जिसका शॉर्टकट F5 भी है। जैसे कि आप जानते हैं, फ्री हैंड टूल यानी अगर आपको फ्री हैंडली कुछ बनाना है, आपको कुछ ड्रॉ करना है, तो इस प्रकार आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये है आपका फ्री हैंड टूल। अगर आपको और राउंड में कुछ इस प्रकार कुछ चीज़ें बनानी है, तो आप उसको फ्री हैंडली ड्रॉ कर सकते हो, आपके ड्राइंग टूल की तरह, यानी आपके पेन या पेंसिल टूल की तरह, जैसे कि आपने इसको फोटोशॉप में देखा है। तो देखते हैं, अगर मैंने यहाँ से एक राउंड बनाया और यहाँ से उसे मैंने प्रॉपर क्लोज किया, तो मैं उसमें कलर फिल कर सकती हूँ। अगर मैंने राउंड बना के उसको प्रॉपरली क्लोज नहीं किया, तो हम उसमें कलर फिल नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिए, आप जब भी आपके फ्री हैंड टूल को यूज़ करोगे, आपको यहाँ पे उसका क्लोजिंग का ध्यान रखना है। इसके और सभी ऑप्शंस आपके ऑब्जेक्ट के ऑप्शन की तरह ही है। आप इसको अगर डबल क्लिक करते हो, आपके पास आपके बेजियर्स है, आप कभी भी उसको यूटिलाइज कर सकते हो, आप कभी भी उसमें कलर चेंज कर सकते हो, फिलिंग कर सकते हो। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर है आपका बेजियर टूल। बेजियर यानी आप देख सकते हो, आपके पास एक ऑलरेडी बेजियर कर्व आ जाता है। आप जब भी इसको क्लिक करते हो, आपके पास वो बेजियर कर्व अप्लाइड होता है, यानी आपको जब भी कुछ चीज़ें करनी है, आप उसे बेजियरली कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस प्रकार। उसके सारे ऑप्शन अगेन सेम है, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके हेल्प के लिए है और आपको इसे यूटिलाइज करना है आपके ड्राइंग के दौरान। आगे है आपका आर्टिस्टिक मीडिया टूल, जिसका शॉर्टकट आए है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आर्टिस्टिक यानी आपको कुछ आर्टवर्क करना है, आर्टवर्क बनाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके अलग अलग ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है प्रीसेट्स, यहाँ पे आपका ब्रश है। यहाँ पे ब्रश में आप कौन से ब्रश लेना चाहते हो, तो वो सभी ब्रश यहाँ पर मौजूद है। तो हमने यहाँ से सबसे पहले एक जो ब्रश लिया है, वो है डिफ़ॉल्ट। तो मैं यहाँ पर जब कुछ डिज़ाइन करना चाहती हूँ, तो वो डिज़ाइन कुछ इस प्रकार बनेगा, क्योंकि मैंने यहाँ से एक आर्टिस्टिक यानी ब्रश स्ट्रोक लिस्ट में से एक ब्रश लिया था। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार वो डिज़ाइन बन चुका है। यानी आप जब भी आपके ब्रश को क्लिक करोगे और यहाँ से उसको, मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा डिफ़ॉल्ट ब्रश यहाँ पे चल रहा है, और वो डिफ़ॉल्ट ब्रश है कुछ इस प्रकार। ये फ़िलहाल एम्प्टी है, आप इसमें कलर भी फिल कर सकते हो। यानी कि अगर आपको और कुछ डिज़ाइन बनानी है, जैसे आपको नाम क्रिएट करने हैं बट स्टाइल फॉन्ट में, तो आप कुछ इस प्रकार उसे बना के उसमें कलर फिल कर सकते हो आपके हिसाब से। आपको अगर उसे एडिट करना है, आप उसे कभी भी एडिट भी कर सकते हो। इससे आपको आपके वेक्टर्स बनाने में तकलीफ़ नहीं होगी, हेल्प हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार। तो चलिए, जैसे कि आप जानते हैं, इसमें और ऑप्शंस है। ब्रश में आपने देख लिया है, यहाँ पे बहुत अन्य टाइप के ब्रश है, आप इन्हें कभी भी यूटिलाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे उसके साइज मौजूद है, यहाँ उसकी ओपेसिटी मौजूद है। यहाँ से हम देखेंगे स्प्रे। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार ड्रॉ करूँ, आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली जो सिलेक्ट है उसको वो स्प्रे करेगा। हम डिलीट करेंगे, फिर से एक बार देखेंगे उसे। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे बलून्स को रखा है या बबल्स को रखा है, और यहाँ से मैंने स्प्रे को क्लिक किया, अब देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी एक पूरा लाइन सेट हो चुका है कुछ इस प्रकार। उसके बाद है आपके पास आपका कैलीग्राफी टूल। आप जब उसे अप्लाई करोगे, आप खुद देखोगे यहाँ पे कैलीग्राफिकली कुछ अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ये स्ट्रोक अलग है और आपके ब्रश का स्ट्रोक यहाँ से अलग है। तो चलिए, प्रीसेट्स में से
आपके पास प्रीसेट्स में भी बहुत सारे ब्रश है, तो हम डिफ़ॉल्ट ब्रश में है फिलहाल और उसी प्रकार मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे कैलीग्राफी का ऑप्शन नहीं है, तो ये प्लेन या राउंड में ही यहाँ पे है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस प्रकार हम कैलीग्राफी को यूज़ कर सकते हैं। आपको उसका एंगल कितना रखना है, तो यहाँ से वो कैलीग्राफ हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके पास आपके आर्ट को बनाने के लिए आपका टूल यहाँ पे आर्टिस्टिक मीडिया टूल करके प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास है पेन टूल। जैसे कि आप जानते हो पेन टूल आप सिलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो, आप ट्रेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, आप उसे कुछ कैरेक्टर या ऑब्जेक्ट मेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे राउंडली कुछ बनाना है, हम इजीली यहाँ पे बना सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से क्लोज़ कर देती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जब एक राउंड लिया था तो बेजियर के साथ आया है और यहाँ पे नहीं है। इसे सिलेक्ट करके आप यहाँ से उसको बेजियर कर करके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार, यानी अगर आपके पास आपका बेजियर है तो आप कभी भी उसे चेंज कर सकते हो। तो पेन टूल, जैसे कि आप जानते हो पेन टूल का यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हो, कुछ इस प्रकार है। इसके पॉइंट्स आप बढ़ा सकते हो कभी भी, और बाकी अन्य सारे ऑप्शन उसके सेम ही है। यहाँ से आप अलग अलग स्ट्रोक लाइंस ले सकते हो, यहाँ से भी आप अलग अलग स्टाइल्स ले सकते हो। तो इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। यह है आपका पॉलीलाइन टूल। पॉलीलाइन टूल यानी इसे मैं पकड़ के शिफ्ट, इसे क्लिक करके आपको शिफ्ट प्रेस करना है। जैसे आप शिफ्ट छोड़ोगे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कहीं पे भी जा रहा है। मैं जैसे इसको शिफ्ट करूँ ये टैप या स्नैप होके एक स्ट्रेट लाइन बन चुका है। क्लिक करके शिफ्ट यानी क्लिक के टाइम पे आपको शिफ्ट करना है, और यहाँ पे आके आप डबल क्लिक करके छोड़ दीजिए। आप देखोगे यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट लॉक भी हो चुका है और ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स्ट्राज है बट ऑब्जेक्ट आपका लॉक हो चुका है कुछ इस प्रकार। तो इससे आपके पॉली लाइन टूल से आप लाइन टू लाइन ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। यहाँ पे हमने एक स्क्वायर बनाया है, आप कभी भी उसको अलग या ट्रायंगल या किसी भी अलग चीज़ में क्रिएट कर सकते हो। आगे चलते हैं थ्री पॉइंट कर्व टूल। यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद यहाँ पे आप कर्व शेप दे सकते हो, यानी आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो सकता है। यहाँ पे उसका रोटेशन है, एंगल है, पॉइंट है, यहाँ पे उसको कितना कर्व लेके क्लोज करना है आप देख सकते हो। मैं इसको फिल कर सकती हूँ कुछ इस प्रकार, और फ्लिपिंग है और बाकी सारे ऑप्शंस सेम है, रोटेशन एंड ऑल। तो इस प्रकार आप आपका थ्री पॉइंट कर्व टूल यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, ये आपका विंडोज़ को फिट करने का टूल या ऑप्शन। ये आपके विंडो को आपका पेज जो A4 या लेटर के साइज़ का है उसे फिट हो चुका है। ये आपके महत्वपूर्ण टूल है यानी इंटरैक्टिव कनेक्टर टूल। इसे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आप जैसे लेआउट्स देखते हो, जैसे आप घर के लेआउट्स, कंपनी के या ऑफिस के लेआउट्स देखते हो, उसे हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आपको क्लिक करके उसको ट्रैक करना है, आपका जितना भी एरिया है यानी आपको इतने एरिया में उसका लेआउट बनाना है। यहाँ से आपका शेप चेंज होने वाला है, यहाँ से एक एरिया अलग से आने वाला है, यहाँ से एक एरिया अलग से आने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से आप क्लिक करके उसे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट करके आप उसे फ्लिप भी कर सकते हो, क्लिक करके चेक करिए, फ्लिपिंग करिए, यहाँ से ऑलरेडी है अप्लाइड, आप उसे फ्लिप कर सकते हो। यहाँ से आप उसके पॉइंट को चेंज कर सकते हो, यानी आप स्ट्रेट कनेक्टर ले सकते हो। यहाँ पे ये आप देख सकते हो एंगल कनेक्टर है, ये आपका स्ट्रेट कनेक्टर है। यहाँ पे भी आपके ऑप्शन से आपको कभी भी चेंजेस लेने हैं आप ले सकते हो, डॉटेड करना है या डिफ़ॉल्ट रखना है, और यहाँ से भी।
तो इस प्रकार आप देख सकते हो पॉइंट में यहाँ पे आ चुके हैं। नहीं चाहिए आप इसे सिलेक्ट करके डिफ़ॉल्ट वापस कर सकते हो। यहाँ पे आपका पॉइंट है, पॉइंट का साइज़ कितना होना चाहिए, तो इस प्रकार से वो चेंजेस ले लेगा। तो ये है बेसिकली आपका टूल जो आपको लेआउट के लिए काम आता है। आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे एक पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे डिसाइड करना है या फिर लिखना है तो मैं किस प्रकार करूँगी, तो उसके लिए हमें डायमेंशन टूल की ज़रूरत है। देखिए यहाँ से यहाँ तक एरिया में कितना डायमेंशन, तो ये 92.83 mm का। अगर मैं यहाँ पे आके डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपका लीनियर डायमेंशंस है, उसके सारे प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, यानी ये mm में है। अगर आपको उसको मीटर में या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है या फिट में, तो चलिए उसको फिट में कन्वर्ट करके हम अप्लाई कर देंगे, तो ये फिट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये 0.30 फिट है। अगर मुझे उसे डेसीमीटर को अलग इसमें चेंज करना है तभी मैं इसको अप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ पे अलग अलग प्रिसेशंस है, सीधा 30 अप्लाई 0.3, यानी अभी फ़िलहाल ये ज़ीरो पे है। अगर ये पॉइंट में है तो 0.30 का अप्लाइजेशन ये दिखाई देगा। तो इस प्रकार आप चेंजेस करके उसे देख भी सकते हो। अगर मुझे वर्टिकल में चेक करना है, क्लिक करके ड्रैग करके, ये 4 फीट का है यहाँ से यहाँ तक का। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे आपके जितने भी साइज़ या अमाउंट या एरिया है उसे आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कैसे आप आपके लेआउट को बना सकते हो, उसे आर्ट वर्क दे सकते हो, उसमें आप पॉली लाइन्स ऐड कर सकते हो, बेजियर दे सकते हो या फ्री हैंड ड्राइंग भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप आपके कर्व फ्लाईआउट टूल से बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो जो आपको आपके लेआउट के लिए यूटिलाइज़ करनी है। तो मिलते हैं आपके अगले लेक्चर में नए टूल्स के साथ।